आज प्राइम 18 न्यूज की टीम पहुंची है ग्रामीण विधानसभा कोलखा। हमारा खास प्रोग्राम चल रहा है जनता मांगे जवाब। उस खास प्रोग्राम के जो पार्ट्स चल रहे हैं तो बारी बारी से हम जनता की राय भी आपको दिखा रहे हैं और यूपी के सभी जनपदों में हमारी टीम भी पहुंचेगी। और आज आगरा शहर के कोलखा ग्रामीण विधानसभा जहां से वर्तमान विधायक हैं हेमलता दिवाकर जी, और यहां जानेंगे कि कितना जनता खुश है और यहां के कितने विकास कार्य हुए हैं इनके कार्यकाल में, और 2022 के चुनाव भी नज़दीक हैं। हमारी प्राइम 18 न्यूज की टीम पूरी तरह जमीनी स्तर से कवरेज कर रही है और जनता के मन की बात, आखिर क्या चाहती है जनता, माहौल क्या है, तो इस विषय में आज हमारी टीम पहुंची है कोलखा। यहां की जनता से भी जानकारी लेंगे और आखिर किस तरह के हालात हैं और 2022 में बदलाव चाहती है, आखिर माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? भक्ति। माहौल क्या है, 2022 के चुनाव नज़दीक, क्या है आपके मन की बात, क्या है, कितना खुश है इस सरकार से, वर्तमान सरकार? खुश नहीं है सरकार से। काम खुश नहीं है? काम रोजगार सब बंद पड़ा है। अच्छा, काम मिल रहा नहीं है और महंगाई ज़्यादा हो गई है। अच्छा, और मजदूर आदमी बहुत परेशान है। तो सरकार तो कह रही है कि बहुत अच्छे दिन हैं। बेकार दिन है, काम भी मिल रहा नहीं है, महंगाई ज़्यादा हो रही है, परेशानी ज़्यादा है, कहीं भी मजदूरी नहीं मिल रही है। तो पहले तो सस्ता तो अब है ना, पहले महंगा था सिलेंडर कांग्रेस में, जब केंद्र में कांग्रेस थी और राज्य में बसपा थी, सपा भी रही, तो पहले तो सस्ता था और सरकार जब विरोध कर रही थी, और अब पहले महंगा था सॉरी, और अब तो सस्ता बता रही है सरकार। कांग्रेस के राज में 300 रुपए का सिलेंडर था, अब तो 900 रुपए का है सरकार में। तो सरकार तो कह रही है ना, तो सरकार को पेट्रोल भी आपका सस्ता है। कांग्रेस के राज में 42 रुपए लीटर पेट्रोल था, इसमें 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, तो बताइए कहाँ से सस्ता है। 2022 के चुनाव नजदीक है, आप लोग आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? सरकार दूसरी बननी चाहिए, ये सरकार बेकार है। किसको आपका रहेगा फर्स्ट नंबर पर, किस सरकार को, किस चेहरे को देखना चाहेंगे? अरे कोई भी सरकार आए, ये सरकार सच नहीं आए, सरकार कोई सी भी आए, ये सरकार नहीं आए, सरकार से महंगाई ज्यादा हो रही है। देखिए जनता, जनता की अलग अलग राय है और भी जनता से जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम धर्मेश कुमार। धर्मेश जी, 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, क्षेत्र में कितना विकास हुआ, वर्तमान जो भी विधायक आपने चुने थे आपके मतों से वो जीते, कितना उनके कार्यकाल में विकास हुआ, यहाँ से विधायक कौन है? सर जी हमारे यहाँ से हेमलता दिवाकर जी हैं, वो हैं विधायक। वो हमारे क्षेत्र में जब से जीती हैं अभी तक उन्हें दर्शन नहीं दिए। अच्छा। वो माहौल देख सकते हैं हम, हमारे रोडों का माहौल देख सकते हैं आप। तो 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, तो क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, क्या है? सर बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब से मैंने, मेरी उम्र है 87 का जन्म है, आज 39 साल की उम्र है मेरी जी। ओनली बहन जी के शासन में हमने यहाँ पर सड़कें देखी हैं, नहीं तो अन्यथा डगरी थे यहाँ पर, क्योंकि बदलाव तो जरूरी है। क्या करते हैं आप? सर मैं मजदूरी करता हूँ। तो मजदूरों को योगी सरकार ने और खाते में पैसा डालने के लिए भी लॉकडाउन में भी मुहैया कराया है, पैसा आपके अकाउंट में भी पैसे आए होंगे और राशन भी फ्री मिल रहा है, तो कितना आपको ये सुविधाएं मिली? सर इन्होंने जो खाते में पैसे डाले थे, मेरे पास वो खाता ही नहीं है। और रही बात सुविधा की, मेरे पास हाँ राशन कार्ड है मेरे पास, पर उन्होंने वो जो है कि वो चावल दे देते हैं, थोड़ा सा गेहूँ हो या फिर मक्का हो, उनसे मतलब उससे जीवन तो व्याकरण हो नहीं सकता, क्योंकि उनको पकाने के लिए भी कुछ आइटम चाहिए। या आप महीने में या 2 महीने में दे भी देते हो 2-4 किलो, उनसे क्या हो रहा है? यहाँ जब से विधायक के पद पर जीती हैं, आपने विधायक बनाया, उनको चुना अपने क्षेत्र का विधायक, तो यहाँ की कितने दौरे किए आपके? सर 4.5 साल हो गए, आज तक ये देखने के लिए भी नहीं आई है, हमने उनकी शक्ल तक नहीं देखी है यहाँ पर, हमारे गांव कोलखा में हमने शक्ल तक नहीं देखी है दिवाकर साहब की। 2022 में चुनाव है, किस तरह का क्या बदलाव चाहते हैं, किसको सीएम की कुर्सी पर, किसको यूपी की कमान, आप लोगों की क्या इच्छा है, आखिर क्या है मन की बात आपकी?
जो नया चेहरे को मौका देना चाहते हैं या वर्तमान में जो चल रहे हैं उनको एक दोबारा सीएम के पद पर आप मौका देंगे? सर जी, हमें तो जैसे कि बहन मायावती जी ने हमारे यहाँ का विकास कराया था, हम तो उन्हीं को चेहरा लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे भी हमारी दरखास्त है कि आप उन्हीं को लेके आए। देखिए, यहाँ लोगों की अलग अलग राय है और यहाँ और भी युवा मौजूद हैं और उनसे भी सवाल करेंगे आखिर क्या क्या स्थिति है जमीनी स्तर पर और जानेंगे आखिर क्या चाहती है जनता और युवा सोच क्या चाहती है, किसको मौका देते हैं, जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल करदम, एडवोकेट है। अच्छा सर, अतुल जी, 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, किस तरह का क्या बदलाव चाहते हैं और प्रेजेंट जो सरकार है वर्तमान सरकार से कितना आप लोग? देखिए, वर्तमान स्थितियों को अगर देखा जाए तो 2017 के बाद से ही बीजेपी सरकार जब राज्य स्तर पर आई थी तो बड़े बड़े वादों के साथ आई थी। लोगों ने उनके वादों को अपने मन में रखा और चाहा कि ये सरकार आएगी तो इनके हित में काम करेगी, पर सरकार के द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं या जितने भी डिसीजन लिए गए हैं सभी जनता के खिलाफ लिए गए हैं। जनता ने योगी सरकार को और केंद्र स्तर पर मोदी जी को लाने के लिए उन्होंने ये सोचा कि जो महंगाई है, महंगाई आपकी कम होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी, बुजुर्गों को पेंशन की व्यवस्था की जाएगी, पर सारी डिसीजन सभी स्थिति बिल्कुल विपरीत हुई है। सिलेंडर आप देख लीजिए कितना महंगा है, उज्ज्वल योजना चलाई गई है, उज्ज्वल योजना के अकॉर्डिंग सिलेंडर दिए गए हैं लोगों को मुफ्त में, पर उन्हें बाद में किस तरीके से लोग रिफिल करवाएंगे, भरवाएंगे, ये भी सरकार को सोचना चाहिए था। सरकार ने राशन फ्री में देने का निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय है और इसकी प्रशंसा भी की जाती है, पर उस राशन को जनता किस पे पकाएगी? 900 रुपए वाले सिलेंडर पे पकाएगी या गेहूं और चावलों को सिर्फ पानी में बॉईल करके ही खाएगी? ये सरकार की जो नीतियां हैं बिल्कुल जनता के खिलाफ हैं, बिल्कुल जनता के विपरीत हैं। सरकार को नई योजनाएं इस प्रकार लानी चाहिए कि जो जनता के हित की हो, जनता जिसे एक्सेप्ट कर सके, स्वीकार कर सके। अब हाल ही में 2022 के चुनाव आने वाले हैं तो 2022 के चुनावों में जनता जवाब देगी, जनता ने सोच रखा है। तो सीएम के चेहरे पर आप लोग देखें, देखिए युवाओं की पसंद और आज की स्थिति अगर देखी जाए तो 2007 से लेकर 2012 तक का जो कार्यकाल रहा है बहन कुमारी मायावती जी का, उनका कार्यकाल शासन और प्रशासन दोनों ही बड़ी मुस्तैदी से काम करते थे। प्रशासन में आप देख लीजिए जितना भी प्रशासन है सभी समय पर आते थे, सभी विभागों में निचले स्तर के लोगों की सुनवाई की जाती थी। आज आप चले जाइए किसी भी सरकारी स्तर पर, बिना पैसे, बिना लेन देन, बिना सोर्स के तो किसी नीचे स्तर के व्यक्ति का काम होना ही नहीं है। कह रही है कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल ही खत्म हो गया। देखिए, सरकार ने तो अपनी सरकार लाने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, वो उस वादों में सक्सेस हुई और सरकार ले आई। सरकार जिन वादों को लेकर आई थी उन्हें पूरा करे ना, उन्हें पूरा क्यों नहीं कर रही? लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रही? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था वो क्यों नहीं दे रही है? मोदी जी के जन्मदिन पर क्यों युवा बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, जवाब दीजिए। सरकार तो ये कह रही है कि यूपी में रोजगार की तो कमी नहीं है मगर उस काबिल युवा नहीं है। देखिए, काबिलियत नहीं है। जब यूपी का सीएम ही काबिल नहीं है राज्य को चलाने के लिए तो उनकी सोच भी आने वाले भविष्य और युवाओं को उसी नजरिए से देखने की है। हर स्तर पे, हर जगह प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस सरकार को अपना मापदंड अपनाना चाहिए। आज का ही मैं आपको एक नया फैसला बताऊं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी संस्थाओं को, जितनी भी एजेंसियां एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, उन्हें ये आदेश दिया है कि आप अपनी भर्तियों में जो शैक्षिक अर्हता लगाते हैं, एजुकेशन जो आपकी एक स्तर की है कि आप इस स्तर का अपने यहाँ कर्मचारी या अपने यहाँ भर्ती कराएंगे उस स्तर का मापदंड तय कीजिए। सरकार कोई मापदंड और एजेंसियां मापदंड तय ही नहीं कर रही हैं तो किस तरीके से भर्ती कर लेंगे, वो खुद ही कंफ्यूज है अपने आप में। तो यानी कि आप लोग 2022 में इसका जवाब देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मन बना लिया है जनता ने तो बहुत अच्छे से। नजरिए में ये 5 साल हो जाएंगे बीजेपी सरकार को, तो उसमें सरकार को आप फेल मानेंगे या उनको नंबर फर्स्ट कर देंगे? देखिए, वो तो फेल और पास का रिजल्ट तो 2022 के चुनावों में वर्तमान सरकार को खुद ही दिखेगा। जनता नाखुश है, जनता परेशान है, जनता के देखिए और भी युवाओं की जो हमने अभी सोच जानी और वो उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव जरूरी है
और आखिर यूपी के सभी जनपदों का यानी पूरे सूबे का माहौल क्या है ये हम जान रहे हैं और जनता की भी राय ले रहे हैं। और भी हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, उनकी भी राय लेंगे किस तरह भाजपा सरकार के कार्यों से कितना खुश है सरकार के कार्यों से जनता, और भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? रूप सिंह। अच्छा रूप सिंह जी, वर्तमान सरकार के कार्यों से कितना आप लोग खुश हैं? जब भाजपा की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई काम ऐसा नहीं हुआ है जो समाज कुछ हो, कोई भी बिरादरी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो कुछ नहीं हुआ है। क्यों? सेवा महंगाई, सेवा महंगाई। तेल बिक रहा है 200 रुपए, रिफाइंड बिक रही है 150 रुपए, या सिलेंडर बिक रहा है 950 रुपए। तो कह रहे हैं कि हम गरीबों को अनाज दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं महीने पे जब 400 रुपए का, जब 400 रुपए का वो आता था सिलेंडर, और आज 850 रुपए का सिलेंडर आ रहा है कि हम अनाज दे रहे हैं फ्री में समाज को। ये समाज बिल्कुल बेकार है, इस समाज के अंदर कोई वो नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है। हम इस समाज को नहीं चाहते हैं कभी भी, ये हमारा वादा है। तो सरकार तो कह रही है कि फ्री राशन दे रही है और उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर भी सभी लोगों को देहातों में भी और गरीब लोगों को पहुंचाए हैं, महिलाओं को फ्री कनेक्शन दिए हैं सरकार ने। ये किसी सरकार में ऐसे कार्य नहीं हुए, जो सरकार ने ये कार्य किए। ऐसी सरकार ने यूँ कही थी कि 15-15 हजार रुपए के हम वादे करते हैं, हर गरीबों को 15-15 लाख का आदमी बना देंगे हम। इन्होंने 15-15 हजार रुपए का गरीब आदमी नहीं रहने दिया है। ये सरकार सबसे ज्यादा खराब है, मोदी सरकार सबसे ज्यादा खराब है, मैं इस बात का दावा देता हूँ। क्यों? क्या इस समाज में बहन मायावती जी आई थी तो जगह जगह सड़क और जगह जगह सारे काम बने थे, तो समाज ने नाम लिया था। अखिलेश जी आए, बाकी काम उन्होंने बच्चों के स्कूल का फलने लेकर सबका काम किया था, और जिन्होंने आके नहीं आ सब पे पानी फेर दिया था कि आओ हम इसके किंग हैं, हम करेंगे जो होगा। कुछ नहीं कर रही है सरकार। तो सरकार तो कह रही है, अभी कुछ दिन पहले भी बयान दिए थे योगी जी ने कि भाजपा सरकार में सभी गरीबों का हक है, यानी कि सरकारी राशन वो तो उन तक पहुंच रहा है, मिल रहा है, ब्लैक नहीं हो रहा। बाकी इस सरकार से पहले बहन जी की सरकार थी, सपा की सरकार थी, तो उसमें सभी ब्लैक हो जाता था, जनता तक राशन नहीं मिलता था। तो ये इनकी सरकार में ये है कि 2 रुपए की सौदा आ रही है, 6 रुपए उनके, 8 रुपए सौदा बेच रही है ये सरकार, गरीबों का खून चूस रही है ये। और इन्होंने जो कहा था कि डाक खाने में जिनके फोटो इनके जो खुलेंगे खाते उनके लिए हम ये करेंगे, इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, झूठे वादे इनके सब। देखिए जिस तरह से यहाँ जनता का गुस्सा है और पूरी जमीनी स्तर से हमारी रिपोर्टिंग है, जनता का गुस्सा पूरी तरह दिख रहा है। और क्या चाहते हैं 2022 में किसको मुख्यमंत्री के पद? हम ये चाहते हैं, हमारी आत्मा जी है, सरकार को कायदे से सबके लिए भला करना चाहिए। 2022 में किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? आपकी जो आपकी इच्छा हो जिसको बना दो। हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं उनको सबको शांति मिलनी चाहिए, परेशानी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए हमें। तो तब भी किसको चाहेंगे सर? हम BSP को पाएंगे, मायावती बहन जी को। देखिए यहाँ और भी युवाओं की सोच है और हमारे साथ एक युवा पीढ़ी भी बैठी हुई है, उनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं, कितना सरकार के विकास कार्यों से और कितना खुश है। इसी मुद्दों पर फिर एक बार बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव बंसल है। अच्छा, गांव कोलक्का में रहता हूँ, निवासी कोलक्का का हूँ। राजीव जी, आप इस सरकार में और जो पहले सरकार गई उसमें उनसे कितना प्रभावित थे और इस सरकार से कितना प्रभावित? भैया पहले जैसे अभी भैया ने बोला था कि राशन फ्री मिल रहा है जी, तो राशन को बनाएंगे किस पे? पहले आ रहा था 450 रुपये सिलेंडर, अब आ रहा है 1000 का सिलेंडर। और जो 1000 रुपये हफ्ते में कमा रहा है, वो महीने में कमा रहा है, वो सिलेंडर भरवाएगा या बच्चों को खिलाएगा? नहीं तो सरकार तो कह रही है ना कि आप पहले से अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, सिलेंडर भी पहले, चलो चावल भी दे रहे हैं, वो चावल भी दे रहे हैं, चलो ठीक है, चावल भी क्या चावल है, वो क्या चावल है, ठीक है, अब वो चावल दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, तो उसे बनाएंगे किस पे? मजदूर आज में कंडा लाएगा, क्या लाएगा? वो कारोबार बंद कर रखा है, कारोबार बंद कर रखा है, आदमी मजदूरी करने जाता है उसको वैसे भी काम नहीं करने देते वहाँ। लॉकडाउन लगा रखा, पहले नोटबंदी नहीं कर दी, पहले लॉकडाउन लगा रखा, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ऐसे करके वो सरकार करा दी। सरकार में क्या है,
ये तो सबसे ज्यादा जो सुविधा है वो तो भाजपा सरकार कह रही है कि हमारी सरकार में पेट्रोल, मेरी आप सुनो, पेट्रोल कभी 100 रुपए हुई थी जी? कभी नहीं हुई थी ना। सिलेंडर 1000 रुपए गया था, कभी नहीं गया था ना। तो अब क्यों हो रहा है? 10 साल से जनता इतनी दुखी हो गई है, कुछ पूछो मत। राशन का पैसा निकाल के उसमें नहीं है, मैं 10 दिन ये 10 साल के अंदर इतनी दुखी हो गई है कि तेल चल रहा था 80-90 रुपए किलो, वो 150-170 पहुंचा दिया। रिफाइन चल रही 50 रुपए, वो पहुंचा 150 रुपए किलो। 180 रुपए किलो जो तेल है, सरसों के तेल का वो भाव है, और आपका जो रिफाइंड है उसका भी यही भाव है। हाँ। तो इसमें इससे पहले जब केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, 80 रुपए किलो तेल था जी, मेरे सामने की बात है, 80 रुपए तेल था और 75 रुपए किलो रिफाइंड थी जी। तो सरकार तो तब भी कह रही है ना कि सरकार तब भी कह रही है कि अच्छे अच्छे दिन है ये, और जनता भी खुश है, विपक्ष इसका विरोध करता है, जनता के खुश होने से विपक्ष को सुकून की रोटी नहीं खा रहा है, और विपक्ष डर रहा है, जल रहा है। तो कितना विपक्ष कैसे नहीं जलेगा, मजदूर आदमी है, आगरा के अंदर जूते का काम है, वो साला बंद करा रखा है, आदमी जाएगा कहाँ? जो बोलेगा गया अंदर, पूरा परिवार जाएगा, चल एक बोलेगा पूरे कुंडी बोलेगा, वो चक्कर है ना। जूते काम आगरा में है, सबको मालूम है, कोई भी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबको मालूम है, वो सारा काम ही नहीं रहेगा जूते का, तो मजदूर क्या करेंगे? तो यहाँ तो आप लोगों ने जनता कितनी मरी है लॉकडाउन में, कितनी जनता मरी है, आज ही बोल रहा है 7 में वो लगेगा, क्यों लगेगा? अच्छा, जनता क्या करेगी? सरकार ने वो फ्री जो स्वास्थ्य के लिए जो कार्ड बनाए थे, उसमें भी तो आप लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा, कितना लाभ मिला? 100% में 10% बने हैं, उसके 90% कहाँ गए? इस टाइम पे पैसा वाला कौन है? मजदूर आदमी है सब, जो पैसे वाले हैं वो बीजेपी में, सब बीजेपी में पैसे वाले। आप यहाँ की जो विधायक हैं, आगरा में विधायक, आपके क्षेत्र की भी विधायक हैं, दिवाकर हैं विधायक, वो पहले विधायक बनी थी, राज्य मंत्री हैं, जीएस डॉक्टर धर्मेश जी, वो रोड अभी तक नहीं बनाता, जो साला बनना है जी। और ये रोड अभी, चलो मैं दिखाता हूँ आपको जी, आइए जी। तो आपका कहना है, जो आपके राज्य मंत्री हैं, यहाँ के जो क्षेत्र के विधायक हैं, राज्य मंत्री हैं, उनके लिए भी सरकार का खूब गुस्सा है, और यहाँ देखिए किस तरह के हालात हैं, ये रोड कब का बना है, तो स्थिति देखिए किस तरह की, क्या स्थिति है, और यहाँ की स्थिति काफी खराब है, और यहाँ ये रोड कब से बना है, तब भी ये कब से ऐसी पड़ा है? अभी एक तो हो गया, 2 महीने करीब हो गए, अच्छा। 2 महीने से ज्यादा हो गए ऐसी पड़ा है। अब बताइए गाड़ी कैसे निकले? देखिए हालात काफी खराब है, ये अच्छा क्या चाहते हैं किस इसको? रोड हमें क्लियर चाहिए, जनता को कोई परेशानी ना हो, और जनता का भी व्यथा ना रहे परेशान, उसके लिए रोजगार मिला जाए। रोड से दिक्कत होती है, रात बिरात में कोई बात हो गई। 2022 के चुनाव नजदीक हैं, बदलाव चाहते हैं या इसी सरकार? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। इसमें क्या है, चाहे बहन जी की आ जाए, चाहे अखिलेश जी की आ जाए, सरकार दोनों अच्छी थी, वो विकास भी कराती थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। नौंडेश्वर ने बनवाया, मायावती ने बनवाया, अखिलेश जी ने उसका उत्तराखंड का बहुत अच्छे बनवाया, फिर तुम्हारा नकलू एस फिर बनवाया उन्होंने बहुत अच्छे, आके उन्होंने उद्घाटन कर दिया, अब उनका नाम हो गया, जिसकी सरकार आएगी उसका उद्घाटन हो जाता है, उसका नाम होता है। 2022 चुनाव में अकेले हम जी बदलाव चाहते हैं। देखिए जिस तरह से जनता की राय है, जनता की राय है, और ये स्थिति आपको दिख रही है, और भी यहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह है। प्रताप जी, सरकार के कार्यों से कितना खुश हैं? 2022 के चुनाव भी नजदीक हैं, माहौल क्या है? कोई खुश नहीं है, जो झूठ काम नहीं है जाटो तो कुछ नहीं है, वो राशन दे रहा है तो पूरे महीना का राशन हो जाएगा हमारे लिए। क्या करते हैं मजदूरी करते हैं जूता की। अच्छा हाँ। तो कितना खुश है इस सरकार के कार्यों? कोई खुश नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, सनातन स्कूल बंद कर दे, बच्चा पढ़ रहे हमारे बेबच्चा, कोई काउ बात बताइए। क्या चाहते हैं 2022 के चुनाव नजदीक है? मायावती आवे बहुत बढ़िया, देखिए पूरी तरह बहन जी को
मौका देना चाहते हैं और आज भी दलितों के लिए मसीहा बनी हुई हैं बहन जी दलितों के लिए पूरा नंबर फर्स्ट हैं और सबसे पहले बहन जी को मौका देने के लिए यहाँ की जनता पूरे दलित जो समाज है उनकी राय है कि बहन जी को मौका दिया जाए। बहन जी दलितों की मसीहा हैं और भी लोगों से जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? मुकुट बाबू। कितना गुजरा सरकार के कार्यों से 2022 के चुनाव के नजदीक है आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है भाजपा से? अपने क्षेत्र के विधायक को ढूंढने के लिए पोस्टर लगाने पड़े थे जी। हाँ वो कहने के लिए उनकी बेटी है सैमरी ताल पे जी। उनकी बेटी है हमला दबाकर की सैमरी ताल पे, फिर भी वो नहीं चाह रही कब मेरा जी रोड बने, व्यवस्था अच्छी बने आगे समय के लिए। देखिए यहाँ लोगों का गुस्सा काफी हाई वोल्टेज गुस्सा है और यहाँ की जो स्थिति है और बहन जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री के चेहरे पर देखना चाहते हैं, पांचवी बार बहन जी को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना चाहते हैं, कुर्सी उनको सुबह की कमान उनको देना चाहते हैं। और भी हमारे एक खास प्रोग्राम में जनता की क्या राय है, यूपी का माहौल क्या है 2022 के चुनाव को लेकर हम दिखाएंगे हमारे खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। अमीर सहयोगी आमिन के साथ संवाददाता विवेक डोगरा, प्राइम सिटी न्यूज़ आगरा।